हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच। ये मुकाबला 6 अक्टूबर को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर 2 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, करेंगे टीम का कंपैरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से तीनों ही मुकाबले पाकिस्तान की टीम जीती है। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग यहाँ पर पाकिस्तान का पड़ा काफी भारी रहने वाला है नीदरलैंड पर। वहीं अगर बात की जाए इनकी करंट परफॉर्मेंस की, तो पाकिस्तान ने अपने पिछले 5 खेले गए मैचों में सिर्फ 1 मुकाबला जीता है, वही नीदरलैंड की टीम अपने पिछले 5 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीत कर आ रही है। तो यहाँ पर नीदरलैंड की टीम फॉर्म में नजर आ रही है। अब बात करें अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें पाकिस्तान की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे इमामुल हक, फखर जमान, कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, साउद शकील, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली। पाकिस्तान की टीम देखने में काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी? इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी नीदरलैंड्स की प्लेइंग 11। तो हमें नीदरलैंड्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे विक्रमजीत सिंह, मैक्स ऑटोर, वेस्ली ब्रेसले, बेस्टी लीड, कॉलिन एक्रमैन, कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स, तेजा तिजामुनोरू, लोगन वेन बीक, वेंदर मैरवे, पाउनवेल मैक्रीन और सारिज अहमद। दोनों ही टीमों का कंपेरिजन किया जाए तो ऑन पेपर देखने में दोनों ही टीमें काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का पड़ा काफी ज्यादा भारी रहने वाला है। वहीं अगर बैटिंग लाइनअप का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर में दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं। वहीं अगर मिडल ऑर्डर की बात की जाए और बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहने वाला है। वहीं अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि नीदरलैंड्स पर भारी पड़ने वाला है। हमने बात की दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, अब एक नजर डाल लेते हैं पिच रिपोर्ट पर। तो ये मुकाबला खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। यहाँ की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली रहती है और यहाँ पर हमें हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। यहाँ के फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 288 रन है, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 262 रन है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। हालांकि यहाँ पर टॉस पत्ते ज्यादा मायने नहीं रखता, टीम अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पहले बैटिंग या बॉलिंग चूज कर सकती है। यहाँ का हाईस्ट टोटल 350 है, वहीं लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 174 है। यहाँ पर अभी तक हाईस्ट चेस 252 हुए हैं, वहीं लोएस्ट डिफेंड की बात की जाए तो 290 है। हमने बात की दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी फाइनल प्रेडिक्शन का। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ पर टॉस की प्रेडिक्शन, मैच की प्रेडिक्शन, साथ ही साथ सेशन की प्रेडिक्शन भी दी जाती है और जो भी लोग वहाँ पर ज्वाइन है वो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं। आप एक बार जाकर एक अपडेट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हम लगातार बैक टू बैक टॉस मैचों सेशन में काफ़ी प्रॉफिट करा रहे हैं। अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में मैच विनर रहने वाली है पाकिस्तान। हाँ दोस्तों, इस मुकाबले को पाकिस्तान की टीम जीतेगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो आपको मिल जाते हैं टेलीग्राम पर। टॉस की अपडेट, मैच की अपडेट, सारी की सारी प्रेडिक्शन आपको मिलती हैं टेलीग्राम पर, वो भी बिल्कुल ही फ्री। इसलिए अभी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।